डिस्कस करने के बाद आज हम लेते हैं कुछ कुंडलियों के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसको फलित के में बहुत ज़्यादा जिनकी इम्पोर्टेंस है। तो इनमें जो मेन पॉइंट हैं उसमें सबसे पहले आता है लगन। लगन और लग्नेश, ये अगर आपके बलवान हैं तो कुंडली आपकी रहेगी पॉजिटिव, और लगन और लग्नेश अगर आपके कमज़ोर हैं तो आपकी कुंडली रहेगी कमज़ोर। सबसे पहले आप यही देखोगे लगन और लग्नेश की क्या इम्पोर्टेंस है। देन कुंडली के आपको बता रखा है कि 6 भाव मेन होते हैं, 4 तो केंद्र के और 2 त्रिकोण के। इन 6 भावों के अंदर आपको ये देखना है कि इसमें इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स कौन से हैं, बेकार प्लैनेट्स कौन से हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे, और इनका किन किन ग्रहों से अटैचमेंट है, युति है, जो भी है। फिर जो जो ग्रह आपके 5वें घर से और 9वें घर के मालिक से अटैच हो गए या दृष्ट हो गए वे अच्छे फल देंगे, और जो जो ग्रह आपके 6ठे 8वें और 12वें या किसी मार्केट से जुड़ जाएं तो वो आपको माइनस पॉइंट देंगे। अष्टमेश का भी यही सिस्टम है, 8वें घर का मालिक अगर किसी से जैसे बिगड़ जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में वो खराब फल देता। फिर ये भी एक पॉइंट आता है कि जिस ग्रह की विषोत्तरी दशा चल रही हो उस ग्रह का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो ग्रह की नेचर क्या है, वो नीच का है, उच्च का है, बलवान है, कमज़ोर है, वो देखना पड़ेगा, उसी के अनुसार ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मान लो राहु की आपकी महादशा चल रही है और बीच में चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर आ गया, नुकसान करेगा। सूर्य की महादशा चल रही है, शनि का अंतर प्रत्यंतर आ गया, नुकसान करेगा। मंगल की महादशा चल रही है, राहु का अंतर प्रत्यंतर आ गया, नुकसान करेगा। लेकिन मित्र ग्रह की दशा दशा आ गई तो नुकसान नहीं करेगा, शत्रु और मित्र का ध्यान रखना, वही चीज देखनी। हाँ। तो पूरे जीवन का फंडा ही है। राहु और शुक्र मित्र हैं या शत्रु हैं आपस में? राहु शुक्र एक ही गुट के हैं, ये तो मैंने बता दिया ना आपको, बुध की जुंडली है ये। बुध के गुट में राहु है, शुक्र है, केतु है, शनि है, सारे इकट्ठे हैं। अब राहु में अगर शुक्र की दशा, शुक्र जो है शनि की प्रेमिका है और शनि प्रेमी हो गए। और शुक्र बेसिकली देखा जाए तो स्त्री है, पराई स्त्री, अपनी स्त्री पराई स्त्री, इसलिए शुक्र का काम जो है थोड़ा अगर स्ट्रांग हो तो दूसरी स्त्री से अटैचमेंट करवाता। अपनी स्त्री क्या, कौन सी होगी? अपनी स्त्री भी शुक्र होगी। अच्छा। वो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी स्त्री तो आपका लग्नेश होगी, आपका सप्तमेश होगी ना, आपकी तुला लग्न है तो आपकी स्त्री को मंगल हो गया तो मंगल से प्रभावित होगी, तो शुक्र का इम्पैक्ट तो उसके ऊपर आएगा तब, अगर वो सुंदर है शुक्र का इम्पैक्ट आ गया। दूसरे 12वें घर में शुक्र चंद्र उसकी आंखें बहुत बढ़िया होंगी। तीसरे और 11वें घर में उसके अगर इंपॉर्टेंट मेल प्लैनेट्स पड़े हैं तो उसकी बॉडी बहुत अच्छी होगी। वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इम्पैक्ट तो वहाँ से आता है, तो इसलिए ओवरऑल वो आपको देखना पड़ेगा कि उनका अटैचमेंट क्या है ग्रहों से। अब कहते हैं राहु और केतु जिस भाव में स्थित हों या जिस घर के मालिक से अटैच हों उसी के अनुसार उसका शुभ अशुभ फल बढ़ा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे राहु नीच राशि का है, भाग्यस्थान में है, मेष लग्न है, भाग्यस्थान का मालिक गुरु है, गुरु उच्च का पड़ा है 4थे घर में, तो वो राहु चाह के भी बुरे फल नहीं दे सकते, क्योंकि जिस घर में बैठता है वैसा फल देता है, और जो उसका मालिक है वो बहुत अच्छी पोजिशन में बैठा है, मालिक अच्छी पोजिशन में। ऐसा ही हमारे साथ भी है, कई कुंडली में आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह अगर ये त्रिकोण में रहते हैं तो त्रिकोण में होने से भी उनको दोष नहीं लगता, ये अच्छे फल देते हैं। फिर त्रिशदाय 8वें और 12वें घर में अशुभ फल देते हैं, दूसरे और 7वें मालिक होते हैं। 8वें घर में कहते हैं शनि जो है बड़ी ऊंची आयु देता है, अच्छी आयु देता है, उच्च राशि का हो, सब राशि हो, या उसका नवास बढ़िया होता है, लेकिन इसके साथ ही शनि का काम पेट में पीड़ा देना, मल का अवरोध करना, वायु से जनित रोग, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत, ये सारे काम भी करता है। और शनि मंगल इसीलिए मैं बताता हूँ कि शनि मंगल इकट्ठे हो जाए तो लकवा भी मार जाता है। राजयोग कारक ग्रह यदि 6ठे 8वें हों तो उसका एक कार्य तो राजयोग प्रदान करना है, दूसरा कार्य 6ठे 8वें भाव के फल जो होने चाहिए उन्हें देना है, तो स्थान स्थिति के परिणाम से मुक्ति नहीं मिल सकती, यही स्थिति राजयोग में होगी। पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी किंतु आपका विरोध होगा, संघर्ष होगा, मतभेद होगा, टक्कर होगा, उसमें आपका राजयोग कमजोर होता रहेगा। एक नाम आपने सुना है कही है सब सरकार, अरविंद केजरीवाल, आज नौकरी छोड़ के चीफ मिनिस्टर बन गया। एक योग और है, खेमका कोई ऑफिसर है हरियाणा का, अब वो जहाँ रहता है उसको वहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि वो अपना काम करता है तो उसको करने नहीं देते। एक यूपी की लड़की थी दुर्गा, उसको भी साथ भी हुआ, तो उनके पास राजयोग तो है
लेकिन उनकी टक्करें कितनी हैं देखो, जैसे किरण बेदी भी किरण बेदी तो सब दबंग रही थी हाँ, लेकिन किरण बेदी के साथ भी लास्ट जब टॉप पे पहुंची, इसका नंबर ड्यू था टॉप पोस्ट के लिए, तब दूसरे बंदे को बिठा दिया। अब इसको सीएम के लिए प्रोजेक्ट कर दिया तो खुद इलेक्शन भी आ गई, सीएम तो दूर रहा। कई बार राज्यों की कट जाते हैं, हालांकि अच्छी भी उससे ज़्यादा बेहतर हाँ सही कर। और सूर्य चंद्र के तरफ सभी ग्रह दो दो राशियों के स्वामी होते हैं, आपको पता ही है। इसलिए दूसरे घर का मालिक और बारहवें घर का मालिक जिस दूसरी राशि के पति होते हैं उसी का फल देने में उनकी प्रधानता होती है। जैसे वृक्ष लग्न में कहते हैं बुध बारहवें घर का दूसरे घर का मालिक है और पांचवें घर का मालिक है, यही बुध की पंचमेश में ही प्रधानता है। तो वृक्ष वृश्चिक मीन लग्नों में द्वितीय त्रिकोणेश होने से शुभ हो जाता है, यानी वृक्ष वृश्चिक और मीन दो आठ और बारह लग्नों में सेकंड घर का मालिक और त्रिकोण का मालिक होने से शुभ हो जाता है। ठीक है जी। अब शुभ ग्रहों के केंद्रपति या आठवें घर का दोष हो तो कितना दोष होता है? चंद्रमा को कहते हैं आठवें घर का दोष नहीं लगता, सूर्य को आठवें घर का दोष नहीं लगता, फिर भी केंद्राधिपत्य दोष जो होता है गुरु का सबसे ज़्यादा होता है, शुक्र को गुरु से कुछ कम होता है, इसलिए शुक्र बारहवें होता है तो वहाँ भी नुकसान नहीं करता है। इसकी अपेक्षा बुध कम दोष वाला होता है, कम पापी होता है। चंद्रमा अगर केंद्र में हो और बुध से भी कम पापी होता है और अल्प दोष वाला होता है। साधारणतः पाप ग्रह अगर केंद्र का मालिक हो जाए तो शुभ शुभ फल पड़ता है, या आप रोज शनि शनि करते हो ना, ये पाप ग्रह हो गया, लेकिन केंद्र का अगर मालिक है तो आपको अच्छा फल केंद्र में चला गया हाँ। किंतु मंगल केवल केंद्रेश होने से शुभ फलदाता नहीं होता, जबकि त्रिकोणेश भी ना हो जाए, जैसे कर्क व सिंह लग्न में मंगल केंद्र का मालिक होने के साथ साथ त्रिकोण का मालिक भी है, इसलिए शुभ है। किंतु कुंभ लग्न जो है उसमें दसवें घर का मालिक होते हुए त्रिकोण में नहीं होने के कारण शुभ फल नहीं दे पाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से लग्न की बात कर रहे हैं? कुंभ लग्न, कुंभ लग्न, ठीक है। कुंभ लग्न में दसवें घर का मालिक हो गया ना, हाँ हो गया, आठवीं राशि में आ गया हाँ, लेकिन वो त्रिकोण का मालिक नहीं है इसलिए मंगल फल नहीं दे पाए। ठीक है ठीक है, केंद्र और त्रिकोण का तो बढ़िया हो जाता है। अब ये तीसरे घर का तो त्रिकोण का नहीं रहा जी। शुभ ग्रह अगर कहते हैं त्रिशदायपति हो, यानी तीसरे छठे दसवें घर का मालिक हो, तो कुछ फल जो है अशुभ इसके कम हो जाते हैं। फिर भावेश के बलवान होने पर जिस भाव का जो फल होता है, भावेश के निर्णय होने पर उसके विपरीत फल समझें। लग्नेश यदि छठे घर का मालिक हो तो उसे दोष नहीं लगेगा। शुभ ग्रह त्रिशदायपति होने से, यानी तीसरे छठे दसवें घर का मालिक होने से शुभ ग्रह होगा तो वो शुभ हो जाएंगे हाँ, तीन छः दस ग्यारह, और अशुभ ग्रह त्रिशदायी होने से शुभ होते हैं हाँ। ठीक है, शुभ का तो अशुभ हो गया हाँ, अशुभ ग्रह शुभ हो गया, जैसे आपने वो केंद्र का बताया था, केंद्र में पापी अच्छे हो जाएंगे हाँ, वही वही सिस्टम। वृष लग्न में चंद्रमा विशेष धन योग नहीं देता, जबकि वृष लग्न में उच्च का होता है चंद्रमा, अगर लग्न में लग्न में आ जाए अतः किसी लग्न में चंद्रमा हो तो अन्य किसी लग्न में हो तो भाग्य का उदय करता है। जन्म कुंडली में कहते लग्न के अतिरिक्त एक ऐसा ग्रह भी होता है जो कुंडली पर अपना आधिपत्य रखता है, यही ग्रह उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है और उस व्यक्ति के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान देता है, उसी के अनुसार गुणों का विकास देखा जाता है, उसे की प्लैनेट कहते हैं। ये वही प्लैनेट है जो मैंने आपको बताया कारक ग्रह, कारक ग्रह जैसे तुला लग्न में शनि, वृष लग्न में शनि। यदि कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो तो वह विशेष बलवान होता है, अपनी दशा में विशेष अनुकूल फल देता है। त्रिकोणपति की अपेक्षा कहते त्रिशदायपति ज़्यादा बलवान होता है और उससे ज़्यादा बलवान केंद्र होता है। त्रिकोण पतियों की अपेक्षा त्रिशदायी अधिक बलवान होता है, त्रिशदायियों से अधिक बलवान केंद्रपति होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन है, तीन छः दस ग्यारह स्ट्रॉन्ग है त्रिकोण, उससे भी स्ट्रॉन्ग है त्रिकोण से हाँ जी हाँ हाँ, ये एक पाँच नौ से स्ट्रॉन्ग है ये बिल्कुल। यदि कमजोर चंद्र सूर्य मंगल शनि केंद्र में हो तो अपनी दशा में अनुकूल फल देते हैं। लग्नेश पाप ग्रह हो या शुभ हो, यदि वह लग्न में हो तो शुभ फल ही देगा। लग्नेश पाप ग्रह हो या शनि हो गया चाहे कोई भी हाँ, तो लग्न में हो तो शुभ फल ही देगा, नुकसान नहीं करेगा। दसवें घर का स्वामी पाप ग्रह और दसवें घर में ही हो तो शुभ फल देगा। सातवें घर का मालिक पाप ग्रह हो और सातवें घर में हो तो कई विवाह करवा देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये? सातवें घर का मालिक मान लो मेरे शुक्र है तो सातवें साथ में ही बैठा होता तो कई मैरिज करवा देता। ठीक है, आपके मंगल है हाँ, और मंगल वहीं बैठा हो हाँ, चलो जो तो भी कई मैरिज का योग बन जाएगा हाँ। यही स्थिति स्त्री कुंडली में तो उस जीवन में पूर्ण पति का सुख प्राप्त नहीं होता। केंद्र या त्रिकोण में क्रूर गया तो दरिद्र बनाते हैं, केंद्र और त्रिकोण में क्रूर, यानी शनि राहु वगैरह।
पाप ग्रह अगर केंद्र का मालिक हो जाए तो भी अनुकूल फल नहीं देगा, किंतु यदि वह त्रिकोण का मालिक हो जाए तो निश्चय शुभ फल देगा। वो की प्लैनेट हो गया ना, अब लगन का त्रिकोण और केंद्र का हो गया, वो की प्लैनेट होगा, उसे अच्छा फल देना ही होगा। फिर इसी तरह कहते हैं धनेश यानी सेकंड घर का मालिक मित्र ग्रह के साथ बैठा हो तो अच्छा फल देगा, आपको धन भी दिलाएगा। शत्रु के साथ बैठा हो तो भी अच्छा फल दिलाएगा आपको शत्रु के द्वारा। और व्यय का मालिक यानी बारहवें घर का मालिक नौवें घर के मालिक बैठ जाए तो धार्मिक कार्य में रुचि होगी, उसमें खर्चा ज़्यादा होगा आपका, चैरिटी में दान दक्षिणा में आप ज़्यादा दोगे। यदि शेष के साथ हो तो रोग मुक्ति या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए देखिए व्यय कराएगा, व्ययश हो गया ना। छठे घर के मालिक के साथ हो तो बीमारियों का पैसा ज़्यादा खर्च होगा। लग्नेश अगर अष्टमेश भी हो गया तो वो शुभ होता है, जैसे हमारा मंगल मेष राशि बिल्कुल मेरे तुला में भी है। सूर्य चंद्र अष्टमेश होने पर भी विपरीत फल नहीं है। हाँ ये तो पहले आ गई आपने बताया मैं। छठे घर का मालिक कहते जहाँ भी होगा उस भाव से संबंधित परेशानियाँ पैदा करेगा और गोचर वश जिस भाव में आएगा उससे रोगी कमजोर और परेशानी वाला बनाएगा। केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक आपस में संबंध नहीं हो तो एक दूसरे की दशा में अशुभ फल देते हैं। शुक्र सेकंड घर में आ गया तो व्यक्ति सेक्स में विशेष रुचि रखेगा और उसके जीवन में कई प्रकार की स्थितियाँ आएंगी। फिर प्रमोशन हो गया, रामकृष्ण परमहंस जी के सेकंड घर में शुक्र था जी, पर वो तो अपनी पत्नी को भी माँ मानता था। नहीं वो डिपेंड करता ना उसके साथ और दृष्टियाँ संबंध क्या थे क्या नहीं, वो कुंभ लग्न का था, वो भी उच्च का शुक्र था। हाँ उसको उच्च का शुक्र को इस भाव में थोड़ी देखोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। उच्च का शुक्र कितना जबरदस्त नॉलेज देता है आपको क्या पता। उच्च का शुक्र ही तो सेकंड घर में वाणी के ऊपर सरस्वती आके बैठ गई और उसने माँ से मिलाया उसको, आप इंटरप्रिटेशन दूसरे सेंस में लो ना ये बात। शुक्र बारहवें घर में तो अनुकूल होता है, जीवन में अभाव नहीं रहने देता। फिर प्रमोशन से लॉटरी है, मिनिस्ट्री है, राजनीति है, दुर्घटना है, आकस्मिक घटनाएं हैं, ये सब राहु या केतु की दशांतर दशा में होती है, ये संभव है। जितने अधिक ग्रहों की दृष्टि लगन पे होती है कुंडली उतनी अधिक मजबूत दिखाई देती है और ऐसा व्यक्ति विशेष लाइफ में प्रोग्रेस करता है। शुभ ग्रह कहते दो केंद्रों का स्वामी हो जाए तो अपने शुभत्व को खो बैठता है। यदि दो केंद्रों का स्वामी होते हुए किसी एक केंद्र में ही हो उसकी शुभता कम हो जाती है, किंतु लगन का मालिक केंद्रों का स्वामी है तो उसकी शुभता अक्षुण बनी रहती है, उसमें कमी नहीं आती। ये बुध और गुरु की बात करें, मीन लगन हो गया, दो केंद्रों का स्वामी जी त्रिकोण के साथ बैठा हो त्रिकोण के मालिक के साथ तो उसे केंद्र का दोष नहीं लगता, वो शुभ फल देने में समर्थ रहता है। केंद्र का स्वामी जी त्रिकोण में बैठ जाए यानी पांचवें और नौवें में तो उसका बल दुगना हो जाता है और वह जिस भाव का स्वामी है उस भाव में वृद्धि करता है, घाटा नहीं करता। फिर चौथे घर का मालिक पांचवें चला गया और पांचवें घर का मालिक चौथे में आ गया तो एक्सचेंज हो गया तो ये बहुत बढ़िया माना गया। इसी तरह नौवें घर का मालिक दसवें में चला गया और दसवें का नौवें में चला गया तो भी एक्सचेंज हो गया और दोनों ही योग अगर बनते हों तो और ज़्यादा शुभ हो गया। कुल मिला के एक्सचेंज ऑफ हाउस जो है बहुत बढ़िया माना जाता है। फिर चौथे घर का मालिक और पांचवें घर का मालिक कहीं भी एक साथ बैठ जाएं तो बहुत बढ़िया होते हैं, 3, 6, 8, 11, 12 को छोड़कर। इसी तरह नौवें और दसवें घर के मालिक 3, 6, 8, 11, 12 को छोड़कर कहीं भी बैठ जाएं तो बहुत बढ़िया होते हैं। एक त्रिकोण का मालिक यदि दूसरे त्रिकोण में बैठ जाए पांचवें का नौवें नौवें का पांचवें तो अपनी शुभता खो बैठता है, किंतु यदि वह लग्नेश भी हो तो भी आदि शुभता तो बनी रहती है। चौथे घर में अगर शनि अकेला आ जाए सब राशि का ना हो तो उसकी वृद्धावस्था अत्यंत दीन दुखी व्यतीत होती है, लेकिन शनि यही चौथे घर में अगर खुद की राशि के उच्च का आ जाए तो उसका कहते बुढ़ापा सुखी होता है, ऐसा ही पॉइंट पड़ा ये लिखा है स्वराशि का ना हो। सातवें घर में अकेला शुक्र हो तो ग्रस्त जीवन दुखी रहता है, शुक्र के साथ दूसरा ग्रह है तो पत्नी सुख तो मिलता है पर ग्रस्त सुख का अभाव रहता है और पति पत्नी में अनबन रहती है। शुक्र अगर अपनी राशि का मालिक हो तो यह योग आधा समझना चाहिए। शुक्र अगर बारहवें घर में आ जाए तो बहुत ज़्यादा धनवान और प्रसिद्ध बनाता है, छठे भाव में तो द्रव्य अभाव नहीं रहने देता। द्रव्य भाव के अंदर जी धन का पे अभाव गया, द्रव्य मतलब धन हो गया, ठीक है लिक्विडिटी। शुक्र बारहवें का प्रैक्टिकल देखा मैंने, बहुत सी लड़कियों कुंडली में देखा, लड़कों की कुंडली देखा, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं जो भी करते हैं, माँ बाप के भी नहीं मानते हैं। लाभ का मालिक और धन का मालिक यानी दूसरे और
नौवें घर के मालिक, ग्यारहवें घर के मालिक मिलकर राहु धन भाव में बैठा हो तो अकस्मात धन देते हैं, इनका अटैचमेंट हो जाता है लॉटरी सट्टा। कोई भी ग्रह सब राशि ग्रह के साथ केतु बैठा तो उस राशि के ग्रह बल को चौगुना कर देता है। केतु का ये कहते हैं कि जैसे मंगल के साथ बैठ गया तो 10 times रिजल्ट दे देता है, ये चौगुना बोल रहा है 10 times। जैसे दीदी के बैठा और मेरे भी बैठा है। सूर्य चंद्र को छोड़कर कोई भी ग्रह अपनी राशि का और वस्तु दूसरी राशि के प्रभाव को वृद्धि करता है। कैसे जी किसी सूर्य चंद्र को छोड़कर कोई भी ग्रह स्व राशि हो तो वह उस दूसरी राशि के प्रभाव, ठीक है, क्योंकि इसकी तो राशियाँ ही नहीं दूसरी। ग्रह चाहे शुभ हो या शुभ हो जिस राशि में होगा उसके स्वामी को प्रभावित करेगा। जैसे मित्र लग कुंडली है, मंगल जी धनुराशि में होगा तो धनुपात गुरु को भी अपना आकार दे देगा और उसके शुभत्व का चौथा ही भाग क्षीण कर देगा। किसी घर से कोई ग्रह 10वें स्थान पर हो तो उस ग्रह का पूरा नियंत्रण होता है और उससे 10वें बैठे ग्रह के हाथ में होता है। यह नियंत्रण वैसे माना जाएगा जैसे दृष्ट ग्रह का होता है। जैसे दूसरे घर में कहते मंगल आ गया और 11वें घर में तो दूसरे से 10वां है शुक्र हो तो मंगल कर शुक्र का प्रभाव होगा, शुक्र अपना शुभ अशुभ मंगल को प्रदान करता रहेगा। राहु केतु कहते जिस घर में बैठ जाएं शुभ लगन में शुभ, दूसरे बारे में सम और आठवें घर में अति पापी बन जाते हैं। यानी त्रिकोण में बैठेंगे तो शुभ हो जाएंगे राहु केतु, लगन में भी ठीक रहेंगे, दूसरे बारे में सम रहेंगे और आठवें पापी जाएंगे। योग कारक की दशा में और या अंतरदशा में पूर्ण शुभ फलदायक, किंतु योग कार की दशा में उसकी अपनी अंतरदशा तटस्थ हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। योग कार्य की दिशा में पाप या मारक की अंतरदशा प्रारंभ में शुभ फलदायक और बाद में शुभ फल देती है। योग कार्य की दशा में पाप जैसे दुर्लग्न में शनि योग कारक है, इसमें अगर मंगल की मारदशा आ गई तो वो क्या होगा जी, प्रारंभ में शुभ बाद में शुभ। अकारक की महादशा में कारक की अंतरदशा पूर्वार्ध में अशुभ और उत्तरार्ध में शुभ ही रहती है। त्रिकोणों के मालिक परस्पर सहधर्मी है, इसी तरह त्रिशदाई के मालिक भी परस्पर सहधर्मी है, केंद्र के मालिक भी सहधर्मी है। अधर्मी या संबंधी ग्रह की दशा न होने पर महादशा नाथ का फल अंतरदशा के अनुरूप होता है। मेरे नहीं समझ आया, छोड़ दो इसको, नहीं आया। केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो तो एक दूसरे की दशा में शुभ फल देते हैं। समझना क्या है, त्रिकोण के दोनों मालिक आपस में शुभ हैं, बिल्कुल, केंद्रों के मालिक शुभ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। त्रिशदाई के मालिक एक दूसरे में हो, 3, 6, 10, 11, त्रिशदाई का मतलब ही नहीं आपको पता, समझ में कैसे आएगा त्रिशदाई, तो तीसरा छठा आठवां बारहवां, 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11, आठवां बारहवां नहीं है, छठा आठवां बारहवां त्रिकोण होता है, ठीक है जी। तो इनके मालिक अगर आपस में बैठे हैं कोई नुकसान नहीं, बस ठीक है, ये सहधर्मी होगा, इसमें क्या समझना। केंद्र और त्रिकोण का भी सिस्टम है, एक दूसरे में बैठे हो केंद्र और त्रिकोण के, ठीक है, शुभ फल ही देंगे। आठवें और बारहवें भाव में स्त्री ग्रह हानिकारक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आठवें और बारहवें में स्त्री ग्रह सूर्य ये शुक्र चंद्र वगैरह, गुरु छठवें घर में हो तो शत्रुनाशक, शनि आठवें हो तो आयु वृद्धि कारक और मंगल दसवें तो उत्तम भाग्य, छठवें गुरु बदनामी भी करवाता है। फिर जिस घर का स्वामी पाप ग्रह हो वह तीसरे में बैठे तो अच्छा होता है, परंतु जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह वह तीसरे में बैठे तो मध्यम फल रखना चाहिए। चंद्रमा कहते हैं कुंभ राशि में आ जाए तो पत्नी से विरोध रहता है, क्योंकि अपने सिस्टम हो गया इस कारण जी, बस शनि हो गया ना, चंद्र और शनि विषय हो गया, सीधा सा बात है, ठीक है। जो ग्रह दो भावों का स्वामी हो वह अधिक फल उसी भाव का देगा जो उसकी मूल त्रिकोण राशि, ठीक है। सूर्य शनि और राहु इनमें से दो या तीन ग्रह जिस भाव या ग्रह आदि पर प्रभाव डालें जहाँ तक उस भाव से अलग हो जाता है, क्योंकि सेपरेशन प्लैनेट है। जैसे राहु और शनि का प्रभाव दशमी पर है तो दशमेश पर है तो व्यक्ति को राज्य से हाथ धोना पड़ा। फिर कहते प्रेग प्रत्येक ग्रह चाहे वह नैसर्गिक पापी हो या नैसर्गिक शुभ हो वो फल किस हिसाब से देगा। जैसे धनुराशि में मंगल आ गया तो धनुराशिपति गुरु में बहुत मात्रा का मंगल का स्वभाव काम करेगा, गुरु की दृष्टि योग उसकी दृष्टि न रहकर मंगल की दृष्टि योग बन जाएगा, यानी मित्र की तरह काम करेंगे दोनों। ऐसी स्थिति में फल का भिन्न भिन्न हो जाना स्वाभाविक और अनिवार्य है। यही गुरु अगर शुक्र की राशि में बैठ जाएगा तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा। राहु हमेशा कहते उल्टा चलता है, जब भी राहु की दशा में किसी वक्री ग्रह की अंतरदशा आ जाए तो मनुष्य की वस्तुएँ लुटाई जाती हैं, मकान जायदाद आदि नष्ट हुए पदार्थ वापस मिल जाते हैं,
जैसे राहु की मां दशा में बकरी ग्रह की अंतर दशा है, बकरी ग्रह की मां दशा में राहु की अंतर दशा। तो ये अच्छा बता रहा है ये इसको, तो अच्छा ही होगा क्योंकि राहु भी उल्टा है, बकरी ग्रह को शनि वगैरह आ गया तो वो वापस दे रहा है जैसे अपने, माइनस माइनस प्लस हो गया जी। केतु के गुण दोष मंगल के समान ही होते हैं, केतु को मंगल की भांति अग्नि स्वरूप है। यदि सूर्य मंगल केतु का प्रभाव कहीं एकत्र सीधा या केतु की दृष्टि द्वारा पड़ता तो उस स्थान से दृष्ट वस्तु में आग लग जाती है। शुभ सब क्षेत्रीय ग्रह के साथ मिलकर केतु विशेष लाभ देता है, जैसे शुक्र तुला राशि में केतु के साथ हो तो मुझसे वो धनी होगा। यहाँ योग नौवें घर में होते व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। अब कुछ क्या है कि इन योगों के अलावा अपवाद भी होते हैं, जैसे शुक्र छठे घर में आ गया तो धन की कमी नहीं रहती है। मतांतर से ये कहते हैं शुक्र छठे भाव में निष्फल भी होता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं। सिंह लग्न में कुंडली में तीसरे घर में शुक्र सब राशि होते हुए अपनी दशा में मान हानि और पदोन्नति करवाता है। देन वृश्चिक लग्न में छठे घर का मालिक मंगल यदि छठे घर में ही हो तो शुभ फल नहीं देता। और स्त्री कुंडली में सातवें घर का मालिक पाप ग्रह और सातवें भाव में ही पड़ा हो तो उसे पूर्ण पति का सुख नहीं मिलता। शुक्र सातवें घर का मालिक होते हुए भी अकेला सप्तम बैठा हो तो व्यक्ति ग्रस्त जीवन दुखी ही रहता है। यदि उसके साथ और भी ग्रह व्यक्ति को पत्नी सुख तो मिलता है पर ग्रस्त सुख का भाव रहता है, पति पत्नी की अनबन रहती है। यदि शुक्र सब राशि में हो तो यह योग आधा समझना चाहिए अर्थात सामान्य ग्रह सुख। शुक्र छठे घर में हो तो पैसे की कमी नहीं रहती पर आ गया, और शुक्र बारहवें घर में हो तो धनवान और प्रसिद्ध बनाता है, किंतु मीन लग्न कुंडली में शुभ फलदायक नहीं होता, अपितु ऋणी होना पड़ता है क्योंकि मीन लग्न कुंडली में शुक्र जो है वो कुंभ में आ जाएगा। गुरु पांचवें घर का कारक है, मीन लग्न में अपनी उच्च राशि कारक में बैठे व्यक्ति को पुत्र सुख नहीं मिलता, पुत्र अगर होता भी है तो उसकी शीघ्र मृत्यु होती है, हाँ कन्या सुख से अवश्य मिलता। 12, 1, 2 चौथी राशि आ गई, कर्क राशि आ गई, उच्च का हो गया वैसे पर ये कारक भवनाशय का फॉर्मूला लगा रहा होगा ना। तो ये आपके जो है मेन मेन पॉइंट होंगे पुरुष कुंडली कल और फिर स्त्री कुंडली। आप अपने भी कोई व्यू दें, अपने इसमें क्या दूंगा, यही चीजें एक नहीं है तो से चलो थोड़ा आकर वही केंद्र त्रिकोण सीधी सी बात, अपना तो जनरल फंडा है कि क्लियर है, केंद्र देखना है, त्रिकोण देखना है, त्रिष्ठाई देखना है, इनमें सारी चीजें ठीक है। 6, 8, 12 अगर आ गई तो इनमें कुछ चीज़ें खराब हैं बस, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बाकी ग्रह की पावर देखनी है, ग्रह का अटैचमेंट देखना है, ग्रह की दृष्टियाँ देखनी है, तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखोगे तो अपने आप ही आ जाएंगी। ये फार्मूले रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है बोटने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल जब एक्सपीरियंस करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस केवल सूर्य चंद्र का ध्यान रखना है, इनकी दो राशियाँ नहीं होती, इन्हें दोष नहीं लगता है, बाकी सबकी दो दो राशियाँ तो उसका फल उसी हिसाब से करना पड़ता है बस, और कोई दिक्कत है नहीं। राहु केतु त्रिकोण में बैठे हो तो ज़्यादा खराब नहीं करते, बस बेसिक फंडे यही है। शुक्र का फंडा आपको आ ही गया, सातवां और बारहवां विशेष ध्यान रखना, और कोई क्वेश्चन क्या पूछो जा आपको बस। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल